सो गाइज दिस इज द मॉल रोड दिन का. वैसे मैं यहाँ आ चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो गया है आने का भी, बट ठीक है. और ये मेरी बहन, वेरी प्रिटी एंड वेरी गुड. हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? सो हम हैं यहाँ, यानी कि मॉल रोड मनाली के. सो हमने चेकआउट किया है जस्ट नाउ एंड अब हम जा रहे हैं शिमला. हमें वहाँ घूमना है. प्लान चंडीगढ़ का था बट देन हमने चेंज कर दिया एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स शिमला. एंड मॉल रोड हम आए दिन की पिक्चर्स क्लिक करने और अब देखते हैं हमें क्या करना है. हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब वी आर ना लॉस्ट थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा है. खैर बहरहाल, अब जो सो है सो है. अब हम जाएंगे शिमला. हमने वहाँ के लिए भी काफ़ी कुछ सोच के रखा है और हम लोग सुबह उठे थे कल का. मैं कुछ एज सच रिकॉर्ड नहीं कर पाई सुबह भी. वी गॉट अप एट 8, हाँ नम्र की तरफ से हाय. और 8 o'clock पे उठे थे बट हम लेटे रहे. 10 पे वी गॉट अप फ्रॉम आर बेड्स. और फिर हमने क्या करा, फिर हमने पैकिंग वैसे कर ली थी ऑलमोस्ट, थोड़ी बहुत पैकिंग भी करी. एंड देन हमने सबसे पहले तो चाय बनाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसके बिना मेरा फंक्शन, कुछ भी मेरा फंक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है. फिर हमने चाय पी एंड देन वी मेड आर ब्रेकफास्ट. नम्रा मेड दैट, और मतलब ऑमलेट था. और उसके बाद हमने पैकिंग करी, हमने बाल स्ट्रेट करे, हाँ. और उसके बाद हम लोग आ गए बस फिर तैयार होकर, रेडी होकर. कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो हाँ बहुत होते हैं. और है ना, हमें कनेक्टर भी चाहिए क्योंकि हमें चार्जिंग प्रॉब्लम होती है. आर यू एंड यू आर कैरिंग आईफोन्स, प्लीज ब्रिंग कनेक्टर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. ऊपर थोड़ा यहाँ से ऊपर जो आप बर्फ ही बर्फ है और कोई कनेक्टर क्या कुछ है ही नहीं, नेटवर्क नहीं है. इट्स ओके, बाद में डल जाएगा, लेकिन बट पिक्चर्स के लिए हाँ चार्जिंग बहुत जरूरी है. सो यू विल ब्रिंग योर कनेक्टर्स विद यू पीपल प्लीज. ये रही नम्रा, बेचारी अपने फोन का कनेक्टर ढूंढ रही है. मिली नीरा, मिली नीरा. अरे मेरी यहाँ की पिक्चर्स हैं 1 साल पहले की. और पता है पहले से ही ना मोमोज वाले लोग बहुत कम हो गए, मोमो मैगी गोलगप्पे ये. अच्छा नहीं यार, वो कनेक्टेड नहीं, मेरे लिए बैंडेड ढूंढ रही है. देखा, शी इज सच अ स्वीट हार्ट. थैंक यू. सो गाइज वी आर गोइंग कनेक्टर ढूंढने, होपफुली हमें मिल जाए कनेक्टर. दिस इज सम स्ट्रीट काइंड ऑफ अ थिंग, स्ट्रीट भी नहीं है ये तो, छोटा सा ही है. देखते हैं यहाँ मिलेगा नहीं. आस्क देम आंटी, कनेक्टेड होगा चार्जिंग के लिए, चार्जिंग कनेक्टर. चार्जिंग के लिए यूएसबी वाला है ये वाला चलेगा ना? हाँ यही चलेगा. पर ये फिर टिकेगा कैसे फोन? एक कहीं लगा के दिखा दोगे आप? ये नम्रा आईफोन नहीं है. Okay guys, we got our connector and we are really very happy. गिर ना जाऊँ मैं. So अब हम जाते हैं थोड़ी. हाँ करो यार. So मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत ही चार्जिंग चाहिए, पूरी टाइम में मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ. और वैसे भी बिना उसके नहीं चलता. So guys, पता है मैं ना इन्जॉय तो कर रही हूँ, मेरा ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा है. पर ना मैंने अगर चाय पी ली ना फिर मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली वॉशरूम जाना पड़ेगा. सो आई एम क्विटिंग दिस आइडिया ऑफ ड्रिंकिंग टी. इससे अच्छा ना मैं कुछ और लेती हूँ. वैसे मेरे सामने ना जूस भी है और पता है आजकल ना आई एम फीलिंग लाइक ड्रिंकिंग जूस, पता नहीं क्यों. सो देखते हैं, मैं पीऊँगी जूस नहीं पर फिर वॉशरूम तब नहीं कर.
कार अपनी है उसमें वॉशरूम थोड़ी है। वीडियो कॉल कर रहा, हमारी कोई कॉल ही नहीं उठा रहा। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो उठा लेंगे, अगर उन्होंने भी नहीं उठाए हैं तो मेरा दिल बच जाएगा। हाँ पापा का तो जेन्युइन रीज़न है, पापा के तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, मगर और सब लोग हो सकते उठा सकते हैं। पता नहीं किस बात का एटीट्यूड दिखाते रहते हैं। मैं ना थोड़ा थक गई हूँ, अब मुझे ना पीने के लिए पानी चाहिए। पानी हम परचेज़ कर लें, मगर हमारी कार में ना पानी रखा हुआ है, फिर वो वेस्ट जाएगा। जबकि नंबर कह रही है पानी ले लो, पानी ले लो, लेकिन मैं ना नहीं, दिस इज नॉट कंजूसी। जब है चीज प्यास लग रही है तो फिर अपनी जान तो इतना बर्दाश्त हम रोजा नहीं रखते। मैं अगर थोड़ी देर बर्दाश्त करूंगी काफी कमजोर हो जाऊंगी। अब हम जाने का सोच रहे हैं, लेट मी शो यू। और हाँ पता है यहाँ का जो वेदर है अब थोड़ा थोड़ा नहीं काफी ठंडा होना स्टार्ट हो गया है। सनलाइट हैज गॉन और अब यहाँ पे काफी ठंडा हो रहा है। तो गाइज हम आ गए हैं मनाली के मॉल रोड के विजिट के अंतिम चरण पर। आई सेड इट राइट, सो क्योंकि हमें शिमला भी जाना है, फिर देर हो रही है ना, तो हम चले जाएंगे। बस मैं अपना फेस देख रही हूँ कि डबल चिन आ चुकी है और आई डोंट हैव राइटिंग है, बट पता नहीं क्यों मैं इतनी ज़्यादा, मेरे दिल में कंटेंटमेंट है और इतना इत्मीनान है, अल्लाह का शुक्र है। सो गाइज हम बैठ गए हैं अपनी कार में और अब हम जा रहे हैं शिमला। And I'm so excited. मुझे वहाँ का मॉल रोड बहुत अच्छा लगा था, मैंने व्लॉग देखा था किसी का। बस अभी अफसोस रहा हम यहाँ मोमोज नहीं खा पाए, यहाँ के मॉल रोड पर देवर नॉट हलाल। पिछली बार हमने इतने टेस्टी मोमोज थे मैं आपको बता नहीं सकती, और लास्ट टाइम हमने खाए थे। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ड्राइवर अंकल भी खाना खाने गए हैं और मुझे भी जाना है, अभी पिक्चर्स क्लिक करवाना है, इन्हें भी जाना है, पिक्चर्स क्लिक करवाना है। अभी हम जाएंगे और ये जो जो होटल है जहाँ पे हम रुके हैं, ये ढाबा है, ये नहीं होटल है, ये ढाबा है, मेरा ढाबा बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। तो यहाँ पे ये रिवर व्यू के उससे बना हुआ है, कुल्लू लग गया ना, तो बस अब हम यहाँ पे अच्छे अच्छे पिक्चर लेंगे। और गाइस पता है हम लोगों ने ना सुबह से ब्रेकफास्ट किया था और सिर्फ गोलगप्पे खाए थे, और अब ना मेरा ना खाना खाने का दिल है, लेकिन ना अगर हमें कुछ हुआ तो क्या होगा, फिर बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। गाइस दिस इज द व्यू जहाँ हम बैठ के खा रहे हैं, अमेजिंग। एंड मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0% इंटरेस्ट। देखो यहाँ का व्यू, सच अ ब्यूटीफुल रिवर साइड व्यू है, बहुत अच्छा है ये रेस्टोरेंट। सो गाइस दिस इज द व्यू जहाँ पर हमने अपना लंच किया है, एंड दिस इज द रेस्टोरेंट, दिस इज द होटल और रेस्टोरेंट, दिस इज ढाबा जहाँ पे हमने खाया है, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, हमारा रास्ता लंबा हो गया, मे बी 12 बज जाए या 1 बज जाए। सो थक गई मैं तो। रास्ता बहुत लंबा हो गया और अब हम नए नई जगहों पर रुक रहे हैं, और पता नहीं कितनी देर पहुंचेंगे, काफ़ी रात हो जाएगी।
सो गाइज, आफ्टर आई थिंक 9 or 10 hours हम आ गए हैं शिमला। होटल भी हमें मिल गया है, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव मिला, और बहुत टायरिंग था ये डे, बहुत ही ज़्यादा, बट द व्यू इज़ गुड। मॉल रोड से काफ़ी दूर आ चुके हैं क्योंकि एनर्जी लेवल्स लो हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में। बहुत मेहनत की वीडियो है, काइंडली लाइक एंड स्प्रेड प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए बाय। नो हाँ।